क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2018 में आया हुआ ये, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन जो है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसमें क्या दिया हुआ, इफ़ यू इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, देन वाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग को डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है और डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, हम लोग को बस पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। तो जब डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो यू के जगह में हम लोग यू के जगह में रिप्लेस करेंगे हम लोग लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए, डिफरेंशिएशन को सिंपल करने के लिए लॉग ये कौन सा फॉर्मेट में, लॉग एम बाई एन फॉर्मेट में है ना। तो लॉग एम बाय एन क्या होता है, हमारा लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग अगर हमारा एम बाय एन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा लॉग एम माइनस लॉग एन बेसी, ठीक है। तो ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग पहले इसको थोड़ा दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो जब हम इसका अब सेपरेट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन में हम लोग को याद रखना है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स, ठीक है। तो सिंपली पहला तो वैसे ही होगा वन बाय एक्स, और एक्स की जगह में क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी यहाँ पर है वो नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद चेन रूल के अनुसार फिर दोबारा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, लेकिन वाई स्क्वायर का क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो ये सिंपली यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 2x हो गया माइनस, फिर दोबारा जब लॉग ऑफ x प्लस वाई का अगर हम करेंगे तो ये सिंपली 1 बाय x प्लस वाई होगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा जो y है उसका जीरो हो गया। तो इसको सिंपलीफाई करके हम लोग लिख देते हैं 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया हमारा, ये जो वैल्यू है हमारा डेल यू बाय डेल एक्स का है, ठीक है। इसको सेपरेट हम लोग लिख लेते हैं, समझ में आ गया। दूसरा जो टर्म है हमारा डेल यू बाय डेल वाई को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग डेल यू बाय डेल वाई को फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, उस केस में भी ये प्रॉपर्टीज पहले तो सेपरेट कर लेंगे हम लोग, मतलब डेल बाय डेल वाई ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर दोबारा अब क्या वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सिंपली लॉग का जो होता है वो तो वही रहेगा हमारा, मतलब ये वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है। उसके बाद चेन रूल में जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टू वाई, समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टू वाई हो जाएगा। फिर यहाँ हमारा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर वन हो जाएगा, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होगा वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वन होगा, समझ में आ गया।
तो हम लोग दूसरा जो है डेल यू बाय डेल वाई भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ये हमारा आ गया 2y/x²+y²-1/x + y, ठीक है। तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव का हम लोग फाइंड आउट कर लिए वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, x (del u/del x) + y (del u/del y), ठीक है। तो x को हम लोग x यहाँ रहने देंगे और del u/del x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारा जो 2x/x²+y², ठीक है, -1/x + y, और y के जगह में y रहने देंगे, और del u/del y विल बी रिप्लेस्ड बाय 2y/x²+y²-1/x + y, समझ में आ गया। अब यहाँ इतना करने के बाद हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारा हो गया 2x²/x²+y², ठीक है, और ये हो गया -x/x + y, समझ में आ गया। और ये क्या आ जाएगा हमारा 2y²/x²+y², और ये हो गया हमारा -y/x + y, समझ में आ गया। अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये दोनों को अगर ध्यान से कर लो, ठीक है, तो ये दोनों में हमारा क्या कॉमन है, एलसीएम ले लो, x²+y², और ये हो जाएगा 2x²+y², समझ में आ रहा। और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, 1/x + y, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x + y, समझ में आ गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 2-1 कितना हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 1 हो गया, ठीक है।